नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जल्दी से लाइव आएँ और शुरू कर दें दोस्तों आज का ये सेशन। आज का जो सेशन है ये सेशन नंबर 24 है, ठीक है। तो 24वीं क्लास आज हम करने जा रहे हैं। लगातार हम डेली शाम 6 बजे एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर के आपको मॉक MCQ फॉर्म में मार्क का डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। तो आज ये 24वीं क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने है तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करें। क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में धान नाइट्रोजन लेता है किस फॉर्म में? ये पूछा गया है कि ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ पैडी टेक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। तो जल्दी से सभी लोग बताएं, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे और एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है, मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है। चलिए चलिए दोस्त, तो आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ड्यूरिंग अर्ली स्टेज पैडी टेक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लेता है? अमोनिकल फॉर्म में। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही जवाब होगा। क्लियर है, क्लियर है। धान, आलू और गन्ना ये क्या करती है? नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन, कृषि प्रकार आधारित है किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर, ठीक है, सम सीमांत आय के सिद्धांत पर, उत्पत्ति ह्रास के सिद्धांत पर या प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर। तो आपको बताना है जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो किस आधार पर है या किस पर आधार पर आधारित है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आज तक अभी जो एग्रीकल्चर के एग्जाम हुए हैं जिनमें ये पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और डेली शाम 6 बजे यहाँ पर लाइव आपको 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए क्लास को शेयर कर देंगे और जो लोग पहली बार आएंगे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड इन, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है किसमें? परिवर्तनीय लागत में, विशिष्ट लागत में, नियत लागत में, सीमांत लागत में। तो पशुओं का बीमा किस लागत के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए, तो पशुओं का जो बीमा होता है वो कौन सी लागत के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो जल्दी से सभी लोग बताएं, ठीक है। तो एक ये क्या है, कैसी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है, नियत लागत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी यहां से आपका सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, निम्नलिखित में से कौन सी खेती कृषि प्रणाली में नहीं आती, ठीक है। कैपिटलिस्ट फार्मिंग यानी कि पूंजीवादी खेती, सहकारी खेती, विविध खेती या सामूहिक खेती, आपको बताना है कौन सा खेती प्रणाली में नहीं आता है। तो जल्दी से सभी लोग बताएं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप सभी जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग ये कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट देखो, फार्म मैनेजमेंट इज एंड प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान है कैसा? इंट्रा फार्म साइंस, इंटर फार्म साइंस, इंटर रीजनल फार्म साइंस या फिर इंटरनेशनल फार्म साइंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेत्र विज्ञान। तो जल्दी से बताइए कि जो फार्म मैनेजमेंट है वो एक है कौन सी साइंस है? चलिए, इंट्रा फॉर्म साइंस है ना, आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान है। क्या है? इंट्रा फॉर्म साइंस है, आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अदर नेम ऑफ प्राइस थ्योरी इज, मूल्य सिद्धांत का एक दूसरा नाम भी है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक या प्राइस कंट्रोल। मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी का एक दूसरा नाम है, वो कौन सा नाम है ये आपको बताना है। तो जल्दी से सभी लोग बताओ, प्राइस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेस्ट अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, द रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज रेगुलेटेड बाई, जो बाजार का नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज रेगुलेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, प्राइवेट एजेंसी व्यक्तिगत माध्यमों द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा। तो जो
हमारे यहाँ मार्केट्स हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है, बाजार का नियंत्रण कौन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता है। क्लियर सभी को? क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट अ टूल ऑफ फॉर मैनेजमेंट एनालिसिस, इनमें से कौन सा फॉर्म प्रबंध का विश्लेषण का साधन नहीं है, है ना? फॉर्म नियोजन, फॉर्म आय व्ययीकरण, उत्पादन एवं लागत, फॉर्म वही अभिलेखन, यानी कि फॉर्म प्लानिंग, बजटिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन और फॉर्म बुक कीपिंग। तो इनमें से कौन सा फॉर्म का एनालिसिस का टूल नहीं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ सभी लोग क्या आंसर होगा, जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जो फॉर्म मैनेजमेंट एनालिसिस का टूल नहीं, वो क्या है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, उत्पादन एवं लागत। ठीक है, प्रोडक्शन एवं कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट देखो अगला, रिकमेंडेड मेथड ऑफ टेस्टिंग जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ऑल क्रॉप्स इज, आनुवंशिक शुद्धता परीक्षण सभी फसलों के लिए संतुलित विधि है, यानी कि कौन सी रिकमेंड करी जाती है? ग्रो आउट टेस्ट, बैंडिंग पैटर्न ऑफ प्रोटीन विथ इलेक्ट्रोफिसिस, इलेक्ट्रोफिसिस या एल्डिहाइड विद, कौन सी है जो अधिकतम फसलों के लिए रिकमेंड करी जाती है? ठीक है, तो जल्दी से बताओ कौन से वो मेथड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना? कौन सी है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ऑप्शन सी यहां से आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो, डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द सेल बाय अ वेक्टर नेम्ड, कोशिका से डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम क्या है? क्लोरोबियम, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम टेमिफियंस या साइनोबैक्टीरियम, है ना? वो कौन सा वेक्टर है जल्दी बताओ। डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द सेल बाय अ वेक्टर नेम्ड, कौन है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस, है ना? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्लियर है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर ऑफ ब्रेड वीट इज, है ना? चपाती वाले गेहूं में गुणसूत्रों की मात्रा एक संख्या कितनी है? 42 है। कितनी भाई? 42। ऑप्शन सी यहां से आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, सल्फर इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, गंधक आवश्यक है ना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, मिथियोनिन संश्लेषण के लिए, बायोटिन संश्लेषण के लिए या सभी के लिए? तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सभी के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, द बैक क्रॉस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, एकल संकरण में प्रति संकर होगा, इसका रेशियो बताना है। ठीक है, कौन सा रेशियो होगा? द बैक क्रॉस इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, रेशियो बताओ जल्दी से। ठीक है, कितना? 1:1 का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम बने होते हैं किसके? फैटी एसिड के, न्यूक्लिक एसिड के, लिपिड्स के, न्यूक्लियो प्रोटीन के? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं भाई? क्रोमोसोम आपके न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, किसके? न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लिक अम्लों से। ऑप्शन बी यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस इज लोकेटेड एट, खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है भोपाल में, जबलपुर में, पूना में, न्यू दिल्ली में, है ना? चलो बताओ जल्दी से, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द वीड साइंस इज लोकेटेड एट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइड, फॉर वीड साइंस इज लोकेटेड एट, कहां पर है? जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान कहां? कटक, बीकानेर, जोधपुर, रायपुर। तो कहां है? जोधपुर में है। ऑप्शन सी यहां से आपका सही जवाब होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन बीट रूट, चुकंदर में परपरागण संपन्न होता है, विंड द्वारा, हाउस फ्लाई, हनी बी, बटरफ्लाई। तो किससे होता है? हाउस फ्लाई से होता है। ऑप्शन बी यहां से आपका सही जवाब होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड रेड माल्टा इज अ कॉमर्शली कल्टीवेटेड इन द स्टेट ऑफ, ब्लड रेड माल्टा की व्यावसायिक स्तर पर खेती कहां होती है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में? कहां होती है?
महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19, कॉमन नेम ऑफ सिट्रस लिमोनिया। सिट्रस लिमोनिया का प्रचलित नाम है एसिड लाइम, स्वीट लाइम, पर्सियन लाइम, रंगपुर लाइम। क्या है? रंगपुर लाइम है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, नोजल सुटेबल फॉर स्प्रेइंग हर्बिसाइड इज। कौन सा नोजल है जो खरपतवार नाशी रसायनों के छिड़काव के लिए उपयुक्त नोजल है? ठीक है, फ्लैट, फैन, हेलो कोन, सॉलिड कोन या उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। वो कौन सा नोजल है जिससे खरपतवार नाशी को छिड़काव करने में आसानी होती है, उसके लिए उपयोगी है या उपयुक्त है या सही है? आपको यही बताना है। तो जल्दी से बताओ कौन है वो? फ्लैट फैन है। कौन है? फ्लैट फैन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो, ब्रैसिका ओलेरेसिया इटैलिका वैरायटी इज अ बोटानिकल नेम ऑफ। ब्रैसिका ओलेरेसिया इटैलिका वनस्पतिक नाम है किसका? गांठ गोभी का, केल का, ब्रुसेल्स स्प्राउट का या ब्रोकाली का? चलो बताओ, अगर साइंटिफिक नेम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ब्रैसिका ओलेरेसिया किसका है भाई? ब्रोकाली का है। किसका है? ब्रोकाली का है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, सिलेक्ट द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड। उस पेयर का नाम बताना है जो करेक्टली मैच नहीं है। जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए तो यहाँ पर फ्रेंच बीन फेजियोलस वेलगैरिस सही है। ठीक है, लोबिया विग्नाचाइनेसिस ये भी सही है, इसका भी साइंटिफिक नेम। ब्रॉड बीन डेलिकस लबलब और शॉर्ट बीन को केना वोलिया ग्लेडिएटा बोला गया है। ठीक है, साइंटिफिक नेम बताया गया है। तो आपको बताना कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ब्रॉड बीन का जो साइंटिफिक नाम है वो डेलिका लबलब नहीं है। क्या है? विशिया फावा है। क्या है? VICIA, विशिया फावा, FABA। ठीक है, क्या है यहां मैं लिख दूं, विशिया फावा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गायनोडायोसियस पपाया वैरायटी इज। पपीते की मादा उभयलिंगी किस्म है कौन सी है? जल्दी से बताओ, गायनोडायोसियस पपाया वैरायटी इज। चलो जल्दी से बताओ सभी लोग, गायनोडायोसियस पपाया वैरायटी इज। ठीक है, तो गायनोडायोसियस पपाया वैरायटी कौन है? सनराइज सोलो। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। कौन है? सनराइज सोलो। नेक्स्ट देखो, सेल्फ इनकम्पेटेबल मैंगो कल्टीवर इज। आम की स्व अनिश्चित प्रजाति है कौन है? बॉम्बे ग्रीन, कृष्णभोग, जर्दालू या गुलाब खास? कौन सी है? सेल्फ इनकम्पेटेबल मैंगो कल्टीवर कौन है? गुलाब खास है। ऑप्शन डी यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द पेयर कंटेनिंग नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स आपको बताना, तो पपीता, फालसा, आम, अंगूर, लीची, नींबू, लीची, फालसा, अमरूद। तो ऑप्शन सही सही होगा। ये कैसे हैं? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। ठीक है, कैसे फ्रूट है? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। नेक्स्ट देखो, केमिकल सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग फ्रूट ड्रॉप इन सिट्रस। नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़न रोकने के लिए उपयुक्त रसायन है NAA, IBA, MH या 2,4-D।
कौन है, किससे हम नींबू वर्गीय फलों में फल झड़न को रोकने के लिए यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो वो कौन सा रसायन है आपको बताना है। तो जल्दी से सभी लोग बता दें, क्या है? फूड ड्रॉप को रोकने के लिए 2,4-D का यूज करते हैं। क्या? 2,4-D। नेक्स्ट देखो, द मेजर सुगर ऑफ गुआवा फ्रूट इज, अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। तो अमरूद में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ, अमरूद में किस तरह की शुगर पाई जाती है? अमरूद में पाई जाने वाली शुगर को कहते हैं, क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, या गैलेक्टोज कहते हैं? कौन से शुगर पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है। कौन सी? ग्लूकोज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द ट्रैप क्रॉप यूज इज, टमाटर के फल छेदक कीट के जैविक नियंत्रण के लिए उपयुक्त जाल फसल है, ट्रैप क्रॉप है, गेंदा है, सरसों है, तंबाकू है, लहसुन है, कौन सी एज अ ट्रैप क्रॉप यूज की जाती है? ठीक है, तो सभी को पता है कौन है? गेंदा है। कौन है? गेंदा है। इसको एज अ ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, वेजिटेबल क्रॉप विद प्रोटेंडरस फॉर्म ऑफ डाइकोगैमी इज, सब्जी फसल जिसके फलों में नर अंग पहले परिपक्व हो जाता है उसी को पोटोएंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम। तो कौन है? बीट रूट है, चुकंदर है। कौन है? बीट रूट है, चुकंदर है, जिसमें जो नर अंग है ना, मेल पार्ट से वो पहले मेच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, कार्पोमिया विशुवियाना इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ, किसका है? अनार का है, बेर का, संतरा का, अमरूद का। कार्पोमिया विशुवियाना एक खतरनाक कीट है, किस फसल का कीट है ये आपको बताना है। तो जल्दी से सभी लोग बताएं कि किस फसल का कीट है, किसका है? बेर का है। किसका है? बेर का है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो, आइडियल टाइम फॉर प्रूनिंग फालसा, फालसा की छटाई का उचित समय है दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर, अगस्त और दिसंबर, फरवरी मार्च। ठीक है, तो जल्दी बताओ। ठीक है, अगस्त दिसंबर या इनफैक्ट सितंबर है, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। ठीक है, यहाँ पर सितंबर है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, फालसा की कटाई का उचित समय कौन सा है? किस मंथ में फालसा की कटाई हम करते हैं? चलो भाई, कब करते हैं? दिसंबर जनवरी में करते हैं। कब करते हैं? दिसंबर जनवरी में। ऑप्शन ए यहां से आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, वायबिलिटी ऑफ मैंगो सीड इज अप टू, आम के बीजों का अंकुरण क्षमता बनी रहती, मान लो आपके यहाँ आम के फल हैं, आपने खाए, फिर उनके बीज निकले, अब वो जो बीज हैं वो कितने दिनों तक वायबल रहेंगे, यानी कि वो जर्मिनेट हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो 12 से 14 सप्ताह, 10 से 11 सप्ताह, 8 से 9 सप्ताह, 4 से 5 सप्ताह। तो कितने दिनों तक वो सीड वायबल रहते हैं? वायबल का मतलब वो जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, अंकुरण क्षमता उसमें बनी रहती है। तो 4 से 5 सप्ताह तक। कब तक? 4 से 5 सप्ताह तक, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, टीएसएस ऑफ अ गुड जेली शुड बी, अच्छी जेली का टीएसएस होना चाहिए कितना? 65%, 68%, 60%, 70%। तो जेली का टीएसएस कितना होना चाहिए?
हेलो। चलिए, मेरी वॉइस आ रही सभी को? वॉइस आ रही सभी को? हेलो, वॉइस आ रही? ठीक है, तो थोड़ा सा वॉइस इशू हो गया था, मैं इसको करेक्ट कर ले रहा हूँ। तो पीछे से मैं आपको बता दूँ कहाँ पर था। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अच्छी जेली का TSS होना चाहिए, कितना? 65% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंस्ट्रूमेंट फॉर जेली मीटर, है ना, जेली मीटर से नापते हैं क्या पेक्टिन की मात्रा? पेक्टिन की मात्रा याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फॉर जेली मेकिंग द फ्रूट रिच इन बोथ एसिड एंड पेक्टिन, है ना, यानी कि जेली बनाने के लिए सबसेस्ट फल कौन है? वो अमरूद है, ध्यान रखना, गुआवा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखो, अर्का पुनीत इज द क्रॉस बिटवीन, अर्का पुनीत, हाँ ठीक है, अर्का पुनीत जो शंकर है वो किसके बीच का क्रॉस है? तो अल्फांसो और बैगन पल्ली, ठीक है, इनके बीच के क्रॉस करा करके अर्का पुनीत वैरायटी निकली है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या था? द सेंटर ऑफ ओरिजिन पपाया, तो ट्रॉपिकल अमेरिका था, ठीक है। क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका, उष्ण अमेरिका है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 39, अच्छा 38। तो आलू की गुणसूत्र संख्या आपको बतानी थी, तो कितनी है? तो सभी लोग जल्दी से बताएं कि आलू में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? आलू में गुणसूत्र संख्या कितनी है? तो 2n इज इक्वल टू कितनी होती है, जल्दी से सभी लोग बता दें कितनी होती है? 48। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो, मोस्ट ड्वार्फिंग एप्पल रूट स्टॉक, सेब के पौधे को सबसे अधिक बौना बनाने वाला मूल वृंत है, M27, M9, M2, M11, है ना, कौन सा रूट स्टॉक है ये आपको बताना है। तो M27 है, कौन सा रूट स्टॉक है? M27, ऑप्शन ए। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कुकम्बर, निम्न में से खीरा की संकर प्रजाति कौन है? पूसा अलंकार, पूसा संयोग, पूसा मंजरी, पूसा रूबी। तो खीरा की संकर प्रजाति आपको बताना है कि खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है, जल्दी से सभी लोग बताएं खीरा की संकर प्रजाति कौन है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कुकम्बर। तो पूसा संयोग, क्या है? पूसा संयोग, ऑप्शन बी, क्लियर है। तो दोस्त, ये रहे आज के 40 क्वेश्चन। आई थिंक क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर लाइव नहीं भी आ पाते तो आप इस सेशन को बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़रूर देखें, ठीक है। सेशन इसलिए मैं क्वेश्चंस को जल्दी कराता हूँ क्योंकि आपका क्लास को देखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाए, ठीक है, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन से रूबरू हो सकें, ठीक है। तो जनरली जो सेशन होता है वो 25 से 30 मिनट के अंदर ही होता है, ठीक है। तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से देख करके आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो सेशन है ये डेली 40 क्वेश्चन का शाम 6 बजे होता है। मैं आपको बैच के बारे में बता दूं, अगर आपको बैच परचेज करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, पेड बैच के लिए।
ठीक है, 7311747488, ठीक है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, और टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको मात्र 499 में मिलेंगी, ठीक है, 499 में, क्लियर है। बाकी शाम को 6 बजे ये सेशन यूट्यूब पर लाइव चलता है, जिसमें आपको डेली शाम को जुड़ना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी जब जब हमको टाइम मिलता रहेगा तब और कुछ टॉपिक हम आपके लिए यूट्यूब पर फ्री लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे लिए आपके पास कोई सजेशन है तो बिल्कुल आपका वेलकम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो बाकी ये क्लास ध्यान रखिए कि शाम को 6 बजे डेली चलती है, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट सेशन में, आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।